तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपका पास टेस्ट पेपर है 3 सितंबर का, इस वीडियो में क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस करेक्ट आंसर हैं, आपको जो है डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं मैं, तो आपको टिक करते चलना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीक में पॉलिसी शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया नगर राज्य। दो नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल फ्रीडम, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा लेटिन। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें सही और गलत में पूछा गया, तो इसका राइट हो जाएगा सही हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3651, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 3651, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सही और गलत का आपको चयन करना है, तो सही हो जाएगा इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन भी सही हो जाएगा आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। 13 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर संसद हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन में धर्मनिरपेक्ष, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में नैतिक शक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। आगे 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वे जो समाज में नैतिक रूप से कार्य करते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर वाला। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये थे आपके क्लास 12 जो 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो सॉल्यूशन है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चंस राइट आंसर हैं। इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो सॉल्यूशन के साथ में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और सॉल्यूशन के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।